असमंजस के ये लम्हे पिछले कुछ मिनट, लेकिन इसके बाद मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधल ने कहा है कि लैंडर ऑर्बिटर कम्युनिकेशन एक बार फिर से ऑन हुआ है और कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत संभवतः इन्हें महसूस हुई थी। कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है वैज्ञानिकों की तरफ से, लेकिन नजरें सबकी अभी भी उस मॉनिटर पर है जहां से ये डेटा उनकी नजरों के सामने होंगे और वो कोई आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर पाएंगे। बेहद दिल की धड़कनों को थमा देने वाला ये वो लम्हा जिस पर दुनिया भर की निगाहें सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा की सतह से बेहद करीब पहुंचता हुआ विक्रम लैंडर और उसके बाद कम्युनिकेशन में संभवतः कोई दिक्कत हुई थी, डेटा प्रॉपर आखिरी लम्हों तक के संभवतः उस तरह सटीक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जो अब की ताज़ा जानकारी है, मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधल ने कहा है कि लैंडर ऑर्बिटर कम्युनिकेशन एक बार फिर से ऑन हुआ है, लेकिन वो क्या है इसकी आधिकारिक घोषणा भी ये तमाम वैज्ञानिक करेंगे। आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके अध्ययन के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाला जा सकेगा उसके कुछ ही क्षणों में घोषणा की जाएगी। जो डेटा अब तक मिला है परीक्षा में उसके आधार पर अब अगली घोषणा वैज्ञानिक करेंगे। लेकिन ये जिस तरह से मिशन चंद्रयान 2 चांद की सतह पर और अब जो सिग्नल मिलने शुरू हुए हैं उसका परीक्षण निरीक्षण करके कोई आधिकारिक घोषणा ये तमाम वरिष्ठ वैज्ञानिक करेंगे। लेकिन मिशन डायरेक्टर ऋतु करिधल जो जानकारी दे रही हैं यहां अपने तमाम वैज्ञानिकों के बीच कि अब संपर्क स्थापित हुआ है। ये जो सफल लैंडिंग की तरफ सबकी निगाहें थी वो आखिर किस निष्कर्ष तक परिणाम तक पहुंच पाया है इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, क्योंकि अब एक बार फिर से कुछ नया डेटा इन्हें मिला जरूर है, लेकिन उससे क्या निष्कर्ष ये निकाल पा रहे हैं, उसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं, इसमें इस तरह की ये अभी आधिकारिक घोषणा अब इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से होगी कि सॉफ्ट लैंडिंग को क्या पूरी तरह कामयाब माना जाए या इसमें कुछ पहुंचना। ये एक संशय का बेहद अहम लम्हा, प्रतीक्षा अब भी बरकरार। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि कुछ डेटा मिलना शुरू हो गया है, संपर्क एक बार फिर से स्थापित हुआ है और ऋतु करिधल ने फिर से कहा है कि लैंडर ऑर्बिटर कम्युनिकेशन फिर से ऑन हो चुका है, कुछ आंकड़े उन तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस चंद्रयान 2 में सिर्फ मिशन लैंडिंग ही एकमात्र मिशन नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटर अभी भी परिक्रमा करता रहेगा और एक साल तक लगातार वो अपने स्तर पर हमें जानकारियां देगा।